रे डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। कह रहा हूँ कि यार बाबर वन डाउन आ जाओ, नहीं बात मान रहा। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए, बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? आपके बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट दे भी ये जीरो दे आउट होने शुरू हो गए। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। आउट हो गया, आउट हो गया बाबर आजम, तुम्हारा एक घंटे का किंग जिसको तुम लोग सुपरस्टार बनाकर बैठो, अपना बाप बनाकर बैठो, ये लोगों पाकिस्तानी हो, तुम्हारा बाबर आजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के ऊपर। राय द किंग बॉब्जी द किंग बाबर आजम, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का, व्हाइट हिट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे, जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए, दो बॉलों पे डक बनाया। ये अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। मैं बार बार पिट मर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है। उसको आप किंग बना देते हैं, ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था बाबर आजम को इतने अरसे बैटिंग करते देखेंगे, बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के पेपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता हूँ। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना, के पास क्वालिटी बॉलर्स हैं। आपके बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट दे भी ये जीरो दे आउट होने शुरू हो गए। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। 12-14 पे एक, फिर दूसरा, और साथ ही बाबर साहब 16 पे तीसरा, यानी कि 7वें और 9वें ओवर में आपकी तबाही और बर्बादी होगी। कि बॉब्जी द किंग ने कर लिया है, बॉब्जी द किंग ऐसे ही है, लात पे बॉल यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है। 16 पे 3, 16 रन पे बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पे 3 आउट, और धूप निकली हुई थी ये बता दें, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थे, तेज धूप थी। मौसम भाई 2020 से 2022 के दरमियान बाबर की कोई टेस्ट शो नहीं था, और अब अगेन 2 साल हो गए हैं विदाउट अ टेस्ट रन रेट। He has never established himself. विराट कोहली होता तो हिंदुस्तान वालों ने ऐसे ऐसे नाम डाले थे, या बॉब्जी दा किंग है, एक केड़ा किंग है, गली दा किंग है, मल्ले दा किंग है। मैंने तो कभी इसको किंग माना ही नहीं, मैंने तो इसको कभी कोहली का के नहीं माना, आई नहीं माना। देखे जो नहीं है वो नहीं है। देखिए अगर आप चाहते हैं बाबर आजम से परफॉर्मेंसेस लेना, इसे हर फॉर्मेट की कप्तानी से हटाएं, इसको बताएं कि यू आर नॉट अ किंग, यू आर जस्ट अ बैट्समैन। भी ग्लोरीफाई करें बाबर आजम को, आपको मेरा करता छूटा ग्लोरीफाई किसी को, मैं क्यों करूं ग्लोरीफाई? आप मुझे बताएं बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है? आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें, क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है, जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेगा चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं, ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। बाबर जो है वो सिर्फ नाम पे, उसकी जो झूठी, देखे ये सोशल मीडिया पे 2 नंबर फैन फॉलोइंग लेना कोई मुश्किल नहीं है, और बाबर देखे, बाबर आजम को कुछ शर्म आनी चाहिए। बात इतनी सी है कि ये किस चीज का किंग है, मैन ऑफ क्राइसिस ये नहीं, मैन ऑफ सिचुएशन ये नहीं, बैटिंग इससे नहीं होती, कप्तानी इससे नहीं होती, बॉलिंग इससे, फिर ये किस बेस पे खेल रहा है? सिर्फ रेपुटेशन, किस बेस पे खेल रहा है ये? क्या इसकी क्या खूबी है इसकी? अंडो पे आउट होता है दूसरे, और लात पे यार कुछ शर्म होनी चाहिए। कोई जिसे फ्री हिट कहा जाता है अब उन बालों पे आउट हो जाते हैं, कोई शर्म नहीं है। 81 पे आप कभी ना पहुंचते, इस वक्त आपकी पूरी टीम फारिग थी। मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि बांग्लादेश टीम से पहले बैटिंग कर रहा हो। मैं आपको बता रहा हूं जो हालात चल रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए, बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है शरीफुल इस्लाम, उसने सीरीज शुरू होने से पहले कह के मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। कमेंट्री सुनिए आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है जैसे इन्होंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो। बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था, ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं, ये बाबर आजम को क्या हो गया? मतलब कि अपने घर के अंदर भी रन नहीं कर रहा। 2023 से लेके अब तक बाबर आजम ने जरा फिगर देखो, मैं 12 इनिंग्स के अंदर क्या 41 हाईएस्ट था। एक और डक ले लो, क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश पर अटैक करेंगे, ऐसे थोड़ी काम होते हैं कि बांग्लादेश हमने अटैक करना। अपना हाल देखो, अपना क्या हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस तो देखो कि जब तुम लोग से खुद बल्लेबाजी नहीं होती तो तुम लोग ऐसी ग्रीन विकेट क्यों बना रहे हो? पाकिस्तान बांग्लादेश को काबू में आराम से कर लेगा, आप देख लो हाल, 3 आउट हो चुके हुए हैं, और जो खेल रहे हैं वो रिलायबल नहीं है।
वो कभी भी धोखा दे सकते हैं जो खेल रहे हैं, उन पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता साइम अयूब पे, या बाबर आजम को हम इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं? बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुआ वो कोई अच्छा बॉल नहीं था, ये बाबर आजम की नालायकी है कि बाबर आजम ने जिसको कहते हैं ना इतने गंदे बॉल को खेलने की तरफ जो कोशिश की, अब पूरी पाकिस्तानी टीम जिसको कहते हैं ना लड़क गई है। सुबह से वेट कर रहे थे बाबर की बल्लेबाजी देखने, बाबर को जिसको कहते हैं ना बैटिंग करते देखना है, बाबर साहब तू चल में आया वाला काम कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था बाबर आजम को इतने अरसे बैटिंग करते देखेंगे, बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के पेपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता हूँ। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना, फिर लोग बाबर आजम को सही जैसे कहते हैं ना बोलते हैं ना कि आप सिर्फ फ्लैट विकेट पे रन करें। आउट हो गया बाबर आजम तुम्हारा, एक घंटे का किंग जिसको तुम लोग सुपरस्टार बनाकर बैठो, अपना बाप बनाकर बैठो, ये लोगो पाकिस्तानी हो, तुम्हारा बाबर आजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के ऊपर। अबे दूसरी बॉल के ऊपर ये जाहिल इंसान भाई, नहीं इसको दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनाओ, इसकी तारीफ करो।